सेकेंड टाइम हेयर ग्रो अपनी सॉरी जब फेस को वैक्स। हे एवरीवन, दिस इज रीना, वेलकम बैक टू माय चैनल इट्स ग्लोरियस वर्ल्ड। आई होप यू गाइस ऑल आर डूइंग मस्ट ग्रेट, टकाटक मजे में। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। सो एज यू गाइस हैव ऑलरेडी रीड द टाइटल, सो यू गॉट द आइडिया कि हम किस इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। सो या विदाउट डूइंग मोर फर्दर, लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं कुछ भूल रही हूँ। हाँ, अगर आप एंजल पे न्यू हैं तो आपको इतना सा काम करना, बस इतना सा, एकदम इतना सा, वो है आपके रेड एंड साइड पे सब्सक्राइब बटन होगा, उसे दबा दो और बेल बटन भी दबा दो। ये दोनों दबाने से होता क्या है, इसे जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो ज्यादा हो गया ना, सबको पता है क्या होता है सब्सक्राइब बटन और बेल बटन दबाने से। जस्ट किडिंग गाइस। लेकिन अगर वीडियो पसंद आए और लगे कि हेल्पफुल रही तो जरूर मेरे वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सो इस वीडियो में आपके साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ कि जब मैंने फर्स्ट टाइम अपना हेयर रिमूव किया था, फेशियल हेयर रिमूव किया था, तो क्या हुआ था और इस टाइम मैं कौन सा मेथड यूज करती हूँ अपने फेशियल हेयर को रिमूव करने के लिए, वो भी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। जैसे कि हम लड़कियां जब यू नो व्हेन वी स्टार्ट टू ग्रोन अप, तो हमें काफ़ी चीज़ें ट्राई करनी पड़ती है अपने बॉडी, अपनी स्किन के लिए। तो ठीक है, बॉडी की बात आती है तो बॉडी पे हेयर रिमूव करने का हम कोई भी मेथड, चलो किसी ने सजेस्ट किया तो हमने कर लिया। लेकिन व्हेन वी कम टू द फेस, लाइक अपनी फेस की जो स्किन होती है बहुत ही सेंसिटिव होती है। इवन एक फेस वॉश भी अगर चेंज करना होता है तो वी वॉज लाइक कितना सोचते हैं हम कि मतलब करें नहीं करें, ये जगह मैंने ये वाला फेस वॉश यूज़ किया तो इट विल गिव मी एक्सपेक्टेड रिजल्ट और नॉट, बहुत कुछ दिमाग में आता है, राइट। तो फेशियल हेयर रिमूव के लिए तो बहुत मेथड है वैसे भी, तो विच इज़ परफेक्ट, विच इज़ अप्रोप्रिएट उस चीज़ के लिए, लाइक मैंने रिस्क लेना पड़ता है उस चीज़ को जानने के लिए। तो जब मैंने अपना फेशियल हेयर रिमूव किया था तो आई यूज्ड वैक्स, और लाइक आप बॉडी वैक्स वाला वैक्स नहीं यूज़ कर सकते अपने चेहरे पर, उसके अलग वैक्स आते हैं। तो जब मैंने किया था तो इट वॉज हॉरिबल मूवमेंट गाइज, क्योंकि वैसे भी वैक्स बहुत ही लाइक बॉडी पे भी कितना पेन होता है, ठीक है आप रेगुलर कर रहे हो, आप करवाते हो तो आदत हो जाती है, लेकिन फेस पे आप रेगुलर करवाओ नहीं करवाओ, पेन तो मतलब हमेशा ही होगा आपको। और जब मैंने करवाया था आई वॉज लाइक लिटरली मैंने इसे कान पकड़ लिए और मैंने कहा कि मैं कभी भी फेशियल हेयर रिमूव वैक्स से नहीं रिमूव करूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि लाइक जब हम वैक्स करवाते हैं तो जो गर्म है, गर्म वैक्स चेहरे पे लगता है, उसे सहन करो, फिर वो खींचना वो भी सहन करो, दो तीन घंटे तक फेस पे जलन होती है उसे भी सहन करो, ठीक है। फिर ऐसा होता है कि चलो ठीक है अब बस, नहीं यहाँ नहीं स्टॉप होता उसका जो भी इफेक्ट है। दो दिन तक तो चेहरा एकदम लाल रहेगा आपका, मैंने जब करवाया था माई फेस लुक्स लाइक बंदर का बम, दो दिन तक तो एकदम चेहरा लाल पड़ा था और उसके बाद जैसे रेडनेस हटी ना, ऐसा लग रहा था मुझे कि दुनिया की सारी लड़कियों के पिंपल्स मेरे चेहरे पे निकल आए। उसके बाद कई बार मुझे चेहरे पे पिंपल आते रहते हैं थोड़े थोड़े, पहले मुझे नहीं आते थे, लाइक मेरी स्किन है नहीं पिंपल वाली, पर उसकी वजह से स्किन इतनी बुरी तरीके से डैमेज हो गई ना जो आज भी आते हैं। तो मैं, अगर आप मेरी तरह पहली बार सोच रहे हो, मतलब हर कोई सोचता है कि पहली बार अपने चेहरे के लिए बहुत कुछ सर्च करता है, बहुत लोगों से पूछता है कि क्या सही है, क्या अप्रोप्रिएट रहेगा फेशियल हेयर रिमूव के लिए, लाइक सबके एडवांटेज अपने अपने डिसएडवांटेज और एडवांटेज हैं। तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि वैक्स इज़ नॉट गुड, लेकिन इट जस्ट डिपेंड ऑन स्किन टाइप। लेकिन मेरे साथ जो हुआ ना, उसके बाद मैंने सोचा था कि मैं कभी फेशियल हेयर नहीं रिमूव करूँगी, इवन नॉट एट माई वेडिंग। अगर कोई अच्छा मेथड मुझे नहीं मिला तो मैं नहीं करने वाली, क्योंकि मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई थी। 8-9 दिन तक मैं किसी को अपना चेहरा दिखाने लायक नहीं बचा था मेरा चेहरा। कि दूसरे यू नो डिसएडवांटेज ये हैं कि ठीक है आपने करवाया 2 महीने तक तो आपके, चलो बाल 2-1.5 महीने तक आपकी फेस पे कोई हेयर नहीं आने वाली, बहुत जल्दी ग्रोथ नहीं करती। लेकिन जब आप ना 30-35 प्लस के होते हो तो बहुत ही जल्दी आपकी स्किन पे रिंकल्स आना शुरू हो जाते हैं और स्किन लूज हो जाती है। हम अपने स्किन को टाइटन अप करने के लिए कितनी कुछ चीज़ें करते हैं, अपने पोर्स को मिनिमाइज करने के लिए कितनी चीज़ें करते हैं, लेकिन आपने वैक्स करवाना सब कुछ बोलते हैं ना, ऐसे पानी फिर जाता है उन सब चीज़ों पर। तो वैक्स मैं नहीं बोलूँगी कि आप वैक्स अपने फेशियल हेयर के लिए यूज़ करें, बॉडी हेयर के लिए देन इट्स ओके, और उसके साइड इफेक्ट भी बहुत ज़्यादा हैं, तो
डोंट यूज वैक्स ऑन योर फेस। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो कि है रेजर। तो रेजर जो है मैंने रिसेंटली अभी यूज़ करना स्टार्ट किया है। लाइक रेजर भी मैंने बहुत सुना है, लोग सुना था कि ये करते हैं, पर मुझे ऐसा डर था कि ब्लेड है तो कहीं ना कहीं हार्ड हेयर आने लगेगी उससे और अच्छा है कि नहीं। लेकिन जब मैंने वैक्स करवा लिया तो मुझे लाइक लगा कि वैक्स तो मैं नहीं करने वाली, ठीक है दूसरा मेथड ट्राई करते हैं। दिल को मजबूत किया और सोचा कि ठीक है हम रेज़र ट्राई करेंगे। मेरे फेवरेट में है वो, मुझे रेज़र ज़्यादा एप्रोप्रिएट लगता है, कन्वीनियंट लगता है, इस वजह से मैं उसे यूज़ भी कर रही हूँ। आपको आगे बताऊँगी किस तरीके से उसे यूज़ करना है और उसके भी कुछ डिसएडवांटेज हैं और एडवांटेज। लाइक अब हर स्किन पे नहीं सूटेबल होता है, किसी किसी को दाने हो जाते हैं और उसके कुछ रीज़न भी हैं, जैसे कि अगर आप पुराना रेज़र यूज़ करिए, मतलब उसकी अगर शार्पनेस ख़त्म होगी फिर भी आप रगड़े जा रहे हो चेहरे पे ज़बरदस्ती, तो उस वजह से ठीक है दो चार बार करने से हेयर तो निकल जाएंगे लेकिन ब्रेकआउट्स हो सकते हैं, दाने आ सकते हैं। तो ध्यान रखें ज़बरदस्ती कोई भी रेज़र अपने बॉडी वाला जो रेज़र होता है उसे भी ज़बरदस्ती नहीं करना। फिर हम बात करते हैं थ्रेडिंग की। थ्रेडिंग ठीक है वैक्स से बहुत सही है और लाइक रेज़र तो ठीक है मैं इतना कंपेयर नहीं कर सकती, लेकिन वैक्स से मैं कंपेयर करके बता सकती हूँ कि थ्रेडिंग ठीक है। लेकिन उसमें जो पेन होता है वो मुझे ऐसा लगता है कि वैक्स से ज़्यादा है, क्योंकि जब मैं अपने आईब्रोज करवाती हूँ थ्रेडिंग से ही करवाती हूँ मैं, मुझे उसमें बहुत ज़्यादा पेन होती है और दो घंटे के लिए तीन घंटे के लिए यहाँ यहाँ स्वेलिंग हो जाती है, रेडनेस हो जाता है थोड़ा थोड़ा सा। और अभी कुछ दिन पहले ही मैंने करवाया है अपने आईब्रोज, तो लाइक मुझे ऐसा लगता है अगर मैं आईब्रो पे जब भी थोड़ी देर के लिए ऐसे करके बैठ जाती हूँ कि थोड़ा सा गर्म हो जाए और जलना बंद हो जाए। तो मुझे ऐसा लगता है अगर मैं अपने आईब्रो भी बड़ी मुश्किल से करवाती हूँ तो पूरे फेस का हेयर कैसे रिमूव करवाऊँगी मैं, मतलब लाइक अपर लिप्स चिन एरिया यहाँ यहाँ कैसे, फिर मुझे नहीं लगता कि मैं उस पेन को सहन कर पाऊँगी, मेरे लिए बेरेबल होगा। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि ठीक है थ्रेडिंग इतना ज़्यादा आपको नहीं पेन करता देन गो फॉर इट। लेकिन अगर आप मेरे जैसे हैं, आपको लगता है कि आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है और आपको ऐसा है कि अगर आपने थ्रेडिंग करवाई है तो आपको नहीं ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, इवन कई बार दाने भी निकल आते हैं, आप देख सकते हैं इधर छोटा सा दाना होगा इधर, तो इन सब चीज़ों की वजह से दाने भी निकल आते हैं। तो आपको बस ट्राई करना है, यू नो आपको थोड़ा सा टेस्ट कर मतलब पैच टेस्ट करना है कि कैसा है। लेकिन वैक्स करते हैं पैच टेस्ट भी नहीं बोलूँगी, क्योंकि उसको मुझे ना उसे गुजबम्स आया था उसको याद करते वक्त कि जब मैंने फर्स्ट टाइम करवाया था तो क्या हालत हुई थी मेरे चेहरे की। सो मैं कुछ भी यूज़ कर लूँगी लेकिन वैक्स नहीं 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 नहीं। तो जो मैं रेज़र यूज़ करती हूँ वो है ब्रॉन्सन फेशियल रेज़र, प्रोफेशनल फेशियल रेज़र। ये आराम से आपको पर्पल पे भी मिल जाएंगे, अमेजोन पे हर जगह अवेलेबल हैं तो आप कहीं से भी ले सकते हैं। तो उसमें से मैंने लाइक पिंक वाला अभी तक यूज़ किया है, आपको दो आते हैं, दो के साथ आपको मतलब तीन आते हैं से ब्लू पिंक और इस तरीके से कैप के साथ आते हैं। आपको ध्यान रखना है बहुत ही ध्यान से कैप खोलना होता है, अगर आपने यूं करके कैप खोला और कभी ये कैप स्टक हो गया मतलब फंस गया उल्टा लगा दिया तो आपने जोर से लगाया और आपकी उंगली कट सकती है। तो हमेशा ध्यान रखें इस तरीके से कैप खोलें ताकि उंगली कटने का कोई चांस ना हो, ठीक है। मैंने इसे अभी तक सिर्फ दो बार यूज़ करा है, तीन महीने हो गए। तीन महीने में मैंने फर्स्ट टाइम जब यूज़ किया था पूरे फेस के हेयर को रिमूव किया था, लेकिन जब सेकेंड टाइम किया तो जस्ट मैंने अपने अपर लिप्स और थोड़े थोड़े इधर के हेयर को रिमूव किया था, उसके बाद मुझे भी नीड नहीं हुई। तो ऐसा नहीं कि हर चौथे दिन तीसरे दिन या हफ्ते में एक बार करना पड़े आपको, क्योंकि ये डिपेंड करता है आपकी हेयर ग्रोथ पे। जब मैंने सेकेंड टाइम अपने फेस को शेव किया था तो तभी भी उतनी ग्रोथ नहीं थी जितनी फर्स्ट टाइम जब मुझे पहले हुआ करती थी, उतनी ग्रोथ नहीं थी। तो डिपेंड करता है आपकी स्किन आपके हेयर की ग्रोथ कैसी है, बहुत ज़्यादा है तो वैसे ही होगी, ऐसा नहीं है कि आपने ये यूज़ किया तो बहुत ही जल्दी बढ़ जाएगी और या फिर मतलब समझ रहे हो ना। सबसे अच्छी बात यह है कि आपकी हेयर को पोकी नहीं करता, लाइक बहुत हार्ड हेयर नहीं आते इसे यूज़ करने के बाद। पर फिर भी मैं ये कहूँगी कोई भी हेयर रिमूवर जो मेथड होते हैं कंटिन्यू मत यूज़ करो, लाइक स्किप कर दिया करो। अगर आप दो तीन महीने से यूज़ कर रहे हो ठीक है, एक बार आप ठीक है अगर आप सहन कर सकते हो
तो आप वैक्स करवा लो, फिर 3-4 महीने जो भी आप करते हो उसे थोड़ा कंटिन्यू करो, फिर थ्रेडिंग करवा लो। मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप हमेशा लाइक एक ही मेथड को प्रिफर करो, क्योंकि स्किन है, फेस स्किन है, अगर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गई तो प्रॉब्लम होती है उन सब चीज़ों से। तो लाइक मैं भी इसे कंटिन्यू नहीं यूज़ करने, इसके बाद देखूंगी अगर मुझे दिल को फिर से संभालूंगी, शायद थ्रेडिंग करवाऊंगी लेकिन वैक्स नहीं करूंगी मैं, क्योंकि मुझे डर सा हो गया उसे करवाने के बाद। ठीक है, तो अब इसे मैं बताती हूँ आप इसे कैसे यूज़ कर सकते हो। इसका मैं डिस्क्लेमर बता देती हूँ आपको गाइस, दो तरीके के रेज़र आते हैं, जैसे कि आप इधर देखेंगे तो ये क्लीन ब्लेड है। एक रेज़र आता है ना, यहाँ पर ऐसे डिज़ाइन बने हुए होते हैं, उसे मत यूज़ करो। वो ना मुझे ऐसा लगता है वो दाने कर सकता है, मैंने कई यूट्यूबर्स से भी सुना है, क्योंकि इधर उधर ना प्रोटेक्टर लेयर होती है, तो जब आप अपने ये ब्लेड जब लगता है आपके फेस पे तो हेयर के साथ साथ उधर जो डिज़ाइन ऐसे से बनी हुई होती है ना वो भी लगता हुआ जाता है। लाइक आपने यहाँ रिमूव किया ब्लेड गया और जो जस्ट उसके ऊपर ब्लेड के ऊपर जो डिज़ाइन बनी है वो आपकी स्किन पे फील लगती है, तो हो सकता है मे बी दाने वाने आ सकते हैं। तो हमेशा इस तरीके के जो क्लीन ब्लेड हो उन पर कोई डिज़ाइन वगैरह ना हो, अगर आपको दिख रहा हो तो ओके। इस तरीके के ब्लेड पे आप इस तरीके का रेज़र लें, और रेज़र को बहुत ज़्यादा यू नो लाइक जंग वगैरह लग गया है तो मत यूज़ करो, फेंक दो। बहुत ही अफोर्डेबल है ये रेज़र, 3 रेज़र मिल जाते हैं, आई थिंक कुछ 200 रुपीज़ के आते हैं ये, यस 200 समथिंग मिल जाएंगे आपको हमेशा। तो सही है ना, हम वैक्स करवाने जाते हैं तो उधर भी 100 रुपये लगते हैं, नहीं नहीं फेशियल हेयर रिमूव के 100 रुपये मिलेंगे, उधर मुझे नहीं पता यार फेशियल हेयर के कितने लगते, याद नहीं है। अगर जब 3 मिल रहे हैं 200 में तो आई डोंट थिंक कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो ध्यान रखना है इन चीज़ों का आपको कि ज़बरदस्ती इसकी शार्पनेस ख़त्म हो जाए तो ज़बरदस्ती नहीं करना है, ज़रूर फिर दाने फिर आएंगे आपको, ज़रूर आएंगे, तो इस बात का ध्यान रखना है। जैसे थोड़ा सा लगे कि एक बार में नहीं है रिमूव है फेंक दो, डिस्कार्ड कर दो, दूसरा ले लो, ठीक है। इसे कभी भी अपने ड्राई फेस पे नहीं अप्लाई करो, अगर आपकी स्किन ऑयली है तो भले ऑयल वगैरह मत लगाओ, आप अच्छा वाला मॉइस्चराइज़र लगा लो जो स्किन को सॉफ्ट कर दे, लाइक रेज़र बहुत ही अच्छी से इजीली मूव हो सके। और अगर आपकी स्किन लाइक कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कॉम्बिनेशन है ड्राई है ऑयल से, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं, तो कोई भी ऑयल लगाओ, लाइक आपके पास ऑप्शन बहुत सारे, कोकोनट ऑयल, आलमंड ऑयल, ऑलिव ऑयल और बायो ऑयल, सारे ऑयल कोई भी आप ऑयल यूज़ कर सकते हो, और मस्टर्ड ऑयल भी कर सकते हो, बहुत ही अच्छा ग्लो देता है मस्टर्ड ऑयल आपके चेहरे पर। लेकिन मैं ऑयल नहीं यूज़ करूँगी, जैसे कि बहुत ज़्यादा गर्मी है फिलहाल तो मैं ऑयल नहीं यूज़ करूँगी, मैं कंडीशनर यूज़ करने वाली हूँ। जी हाँ, कंडीशनर क्यों, रीज़न ये है कंडीशनर आपके बाल को स्मूथ करता है, वैसे भी आप अपने सर के बाल पे अगर जब लगाते हो तो ये काफ़ी अच्छे से स्मूथ कर देता है आपके हेयर को। तो मुझे ऐसा लगता है अगर आप रेज़र यूज़ कर रहे हो, इन केस अगर आपके पहले से ही बाल हार्ड हैं और आपको ऐसा लगता है कि रेज़र से हो सकता है ऐसा कुछ भी, तो आप कंडीशनर यूज़ करें, लेकिन ज़रूर ट्राई कर लें कि ये सूटेबल है कि नहीं आपके स्किन के लिए, क्योंकि कंडीशनर से कई लोगों को दाने वगैरह निकल आते तो या फिर उनकी स्किन डल भी लगने लगती है। तो ध्यान रखें, कंडीशनर अगर सूट करता है आपकी स्किन पर तो ही यूज़ करें, वरना आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, जैसे मैंने बता दिया कि ऑयल मॉइस्चराइज़र आप लगा सकते हो, बस इतना ध्यान रखना है बिना कुछ भी लगाए नहीं यूज़ करना है, डायरेक्ट मतलब ड्राई फेस पे नहीं यूज़ करना है, और अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लो, वॉश कर लो। तो मैं यहाँ लॉरियल का कंडीशनर अप्लाई कर रही हूँ, आप कोई भी लगाओ जो आपके घर में शैम्पू यूज़ होता है। और एक बात ध्यान रखना है, पूरे फेस पे नहीं लगा लेना इसे, फिर धीरे धीरे करो ऐसे नहीं, जहाँ आपको अपने रिमूव करना है वहाँ थोड़ा सा ऐसे लगाओ फिर रिमूव करो, फिर थोड़ा सा लगाओ फिर रिमूव करो, इस तरीके से आपको करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, मैं कैसे अपने हेयर को रिमूव करती हूँ। इसे ध्यान दे के, बहुत ध्यान से इसे यूज़ करना होता है, वरना आप अपने आप को कट कर सकते हो। जब मैंने फर्स्ट टाइम किया था मुझे बहुत ही हल्का सा यहाँ लग गया था, तो बहुत ही ध्यान रखना है, बहुत मतलब बहुत ही ध्यान रखना है, कर सकते हैं आराम से। सो हम बाल अच्छे से पहले फिक्स कर लेते हैं। द कंक्लूजन, अपनी हेयर ग्रोथ दिखा देती हूँ, कुछ इस तरीके की अभी मेरी हेयर ग्रोथ है। सब स्टार्ट करते हैं, यहाँ देख रहे हो छोटा सा, बहुत ही छोटा सा दाना है, वहाँ कंडीशनर ना लगाएं और रेज़र भी वहाँ ना लगाएं, वरना
से पिंपल को आप उंगली करोगे फिर वो एक से दो होंगे, तो अवॉइड कर दो उस प्लेस को। इस तरीके से डाउनवर्ड मोशन में पकड़ें, थोड़ा स्किन को खींच लें जिससे आराम से आपका फेस आप से शेव कर सकें, फिर यूज़ करें। देख सकते हैं किस तरीके से हेयर रिमूव हुआ है। फिर टिश्यू पेपर लें और साफ कर दें। जैसे ही आप इसे रिमूव करें, कॉटन या टॉवल भी लेकर आप इसे इस तरीके से अपने फेस को क्लीन कर ले तुरंत। अगर आप कंडीशनर लगाते हैं तो हमेशा ध्यान रखें तुरंत क्लीन करना, फिर इसे ज़्यादा देर तक कंडीशनर को नहीं लगे रहने देना है। मैं पूरा फेस नहीं शेव करती हूँ क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा हेयर यहाँ है मेरे फोर हेड पे, या फिर यू नो ये सारे इधर तो मुझे दिखते भी नहीं है, इतने नीडी नहीं है। और फोर हेड पे जब भी मैं थ्रेडिंग करवाती हूँ तो मैं क्लीन करवा लेती हूँ, तो मैं इसे नहीं यूज़ करूँगी क्योंकि कुछ दिन पहले ही मैंने अपना कुछ दिन पहले ही आईब्रो करवाया था तो मुझे फोर हेड की नीड नहीं है। वैसे भी मैं रेज़र पूरे फेस पर नहीं यूज़ कर सकती हूँ, जहाँ मुझे नीड है वहीं, लाइक यहाँ इस एरिया में, दैट्स इट। तो मैंने अपना फेस वॉश कर लिया है। मैं ज़्यादा देर तक कंडीशनर नहीं लगा रहने देती अपने चेहरे पे, क्योंकि कंडीशनर लगाना ज़्यादा टाइम तक अगर चेहरे पे लगा रहे तो अच्छा नहीं है। और ध्यान रखें अगर आप कंडीशनर अप्लाई करते हैं इसे यूज़ करते वक्त, तो जब भी हेयर रिमूव करें, जैसे हेयर रिमूव हो गया तुरंत कॉटन या टिश्यू पेपर से क्लीन कर लें फिर, और जल्द से जल्द अपना फेस वॉश कर लें किसी भी माइल्ड फेस वॉश, इसको भी वॉश कर लें ऐसे बिना गंदे मतलब यू नो ऑयल वाला या फिर कंडीशनर वाला रेजर नहीं रखें, उससे वजह से आपका रेजर का ब्लेड ख़राब हो सकता है जल्दी। और आप इससे अपने आईब्रो भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आपका हाथ बहुत ही फ्रिक्वेंटली चलता हो, ठीक है। मैंने एक बार किया था तो मुझे ऐसा लगा कि वो फिनिशिंग नहीं मिलती जो थ्रेडिंग से आती, लेकिन हाँ अगर इमरजेंसी है, लाइक एग्जांपल जिस एरिया में आपका पार्लर है वो एरिया सीज हो चुका है कोरोना के वजह से, तो क्या करोगे, और कुछ भी हमें इमरजेंसी आ सकती है। सो उस टाइम पे ये वरदान का काम करता है कि फटाफट आप अपने अपने आईब्रो बना सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं कि अपने फेशियल हेयर को, उसकी ग्रोथ को कम कैसे करना है। यू नीड एलम, यानी कि फिट करिए। अगर आपने मेरे चैनल मेरे वीडियो पहले भी देखे होंगे तो एक वीडियो में मैंने एलम के बारे में बताया है कि कैसे क्या, लाइक इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो जब भी आप अपने फेशियल हेयर रिमूव करें किसी भी चीज़ से, रेजर से, थ्रेडिंग से या फिर वैक्सिंग से, किसी से भी करें, इसे अपने लाइक इसे गीला कर लें थोड़ा, या अपने फेस को गीला कर लें फिर अपने पूरे चेहरे पे रब करें। एक्चुअली मैंने अभी अपना फेस वॉश किया है तो मैं कुछ देर बाद करूँगी क्योंकि मैंने फेस वॉश यूज़ किया था, तो कुछ देर बाद ही मैं इसे अप्लाई करूँगी क्योंकि तुरंत फेस वॉश लगा के फिर फिट कर ही लगाना मुझे ऐसा लगा कि सेफ नहीं होगा। तो एक घंटे का गैप देने के बाद ही मैं इसे अपने चेहरे पे रब करूँगी जिससे मेरे फेशियल हेयर कम जल्दी आए। अब हम बात कर लेते हैं फेशियल हेयर रिमूव करना क्यों ज़रूरी है। फेशियल हेयर रिमूव मतलब करने के बाद आपका चेहरा जो होता है पहला अब थोड़ा फेयर हो जाता है, और थोड़ा फेयर हो जाता है, ब्राइट हो जाता है। सेकंड, आपके जो फाउंडेशन है या आप जब मेकअप करते हो तो बहुत ही फ्लॉलेस सा मेकअप लुक देता है। थर्ड, आपके चेहरे के बाल के साथ साथ आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करता है। जो वे है, जो टेक्निक है हम यूज़ करते हैं, उन्हें हमेशा अपने माइंड में ध्यान रखना है कि कौन सा हमारे स्किन के लिए सूटेबल है।
तो जो मैंने रेजर बताया उसके भी डिसएडवांटेज हैं और एडवांटेज हैं। जैसे कि मैंने वैक्सिंग थ्रेडिंग के भी बताया तो इसके भी हैं। और इसका सबसे अच्छा एडवांटेज ये है कि ये पेनलेस है, कोई पेन नहीं होता इसमें। लाइक थ्रेडिंग और वैक्सिंग में बहुत पेन होता है, लेकिन इसमें कटने का बहुत ज़्यादा, मतलब आपने ध्यान नहीं रखा तो कट सकते हो आराम से। इसमें रेडनेस जैसा कुछ नहीं आता। जब आप वैक्सिंग करवाते हो तो आपको एक डेढ़ महीना नीड नहीं है। ये आप यूज़ करते हो तो भी मुझे, मतलब मेरे स्किन के अकॉर्डिंग मुझे नहीं लगा कि मुझे बहुत जल्द करवाना पड़ता है। लाइक एक महीने तक आराम से मेरी स्किन अच्छी रहती है, कि मतलब इतना ज़रूरी नहीं पड़ता कि मुझे अपने हेयर, अपने फेस के हेयर को फिर रिमूव करना पड़े। और अगर रेजर की डिसएडवांटेज की बात करें, सबसे पहली चीज़ आपकी स्किन को ओवर एक्सफोलिएट कर देता है। मुझे लगता है मैंने जितना मुझे पता था अपने एक्सपीरियंस के थ्रू मैंने सब कुछ आपको बता दिया, और हो सकता है कि आपको मुझसे ज़्यादा पता हो तो मुझे कमेंट में बताना। सो ठीक है गाइज, अब वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो बहुत हो चुकी है, बहुत लंबी हो चुकी है। सो अगर वीडियो हेल्पफुल रही हो और लगे कि हाँ वीडियो में जो लड़की ने बात कही है कहीं हद तक सही है, हेल्पफुल रही है, तो ज़रूर मेरे वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। सो मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ फैमिली। बाय बाय।